नहीं नहीं भाई ऑटो रुक के अपनी चल यार। भाई तेरी बीवी प्रेग्नेंट है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कुछ किया क्या? नहीं मेरे पास टाइम नहीं, जो निकलो आप भाई साहब प्लीज यार। यार तू उधर क्या देख रहा है? मैंने बाहर निकल सुना देता वाला यार। हेलो हाँ जी सर, न्यूज़ बोले मैं उधर हूँ। नहीं आज आप इधर आओगे मेरा सेटअप मिल चुका है, मैं आपको यहाँ पर लगा, मेरे को जरूरी काम है। अगर आपने आना है तो आओ, नहीं आना तो बाहर में जाओ। आप फिर भेजो जल्दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका कॉमेडियन चोई और स्वागत है आप सबका हमारे इस बुलेटिन में जिसका नाम है आज की फालतू खबरें ऑटो रिक्शा में। तो आज की पहली खबर, दो मिनट, हेलो, पहली खबर क्या है? अभी पहुंची नहीं है? चलो ठीक दोस्तों, आज का हमारी पहली खबर बड़ी दूर से आ रही है, अभी तक वो पहुंची नहीं है, इसलिए हम दूसरी खबर स्टार्ट करते हैं। पहले सरकार ने किया ऐलान कि धूप में बैठने वाले जोड़ों को दिया जाएगा भारतीय वीरता का पुरस्कार। अब पहली खबर, क्योंकि वो मुंबई से है, थोड़ी देर हो गई थी इसलिए हमने पहले दूसरी वाली सुना दी, हम पहली वाली सुनाते हैं। आज की ताजा खबर जो मुंबई से है, मुंबई में गर्मी बढ़ने के कारण सोनू निगम ने करवाए 10 लाख रुपए के बाल, और उसी दौरान अनिल कपूर का कहना है कि कोई मुझे 10 रुपए दे मैं पूरे शरीर के बाल कटवा सकता हूँ। हेलो यस ओके ओके जो तो अभी अभी हमारे सूत्रों से पता लगा है कि लड़कों ने किया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर ऐलान। उनका कहना है कि जो भी लड़कियां अपने मुंह को कवर करके स्कूटी पे जाती हैं उन्हें 500 रुपया जुर्माना किया जाए। उनका कहना है कि अगर वो अपने मुंह पे ऐसे लपेट के जाएंगी तो हम देखेंगे किनको, हम किसके लिए इतना बन ठन के बाहर निकलते हैं, सिर्फ लड़कियों को। अगर लड़की ऐसा करेंगी तो हम जैसे लड़कों का क्या होगा। और अब अगली खबर, विजय माल्या का कहना है कि मैं देश में तभी वापस आऊंगा अगर मेरी ये 3 शर्तें मानी जाएं। पहली चीज कि सुरक्षा मिले, दूसरी कि उन्हें आजादी मिले, और तीसरी ये थोड़ी तीसरी है कि हमें 3 टाइम रोटी नहीं चाहिए, मेरे को 3 टाइम पैग चाहिए, पैग, एक सुबह बोतल, एक दोपहर को बोतल और एक शाम को बोतल, विद सोडा, लेमन सोडा भी चलेगा, खारा भी चल सकता है। और अब अगली खबर सुनाते हैं आपको। अब अगली खबर, बाबा रामदेव ने अपनी रैली में कहा कि गूगल मैप का बहिष्कार करें, उसे यूज ना करें, देशी बने और पान वाले से रास्ता पूछें, जैसे हम पुराने जमाने में पूछा करते थे। अभी पान बीड़ी सिगरेट वाले सभी से रास्ता पूछें, शराबी भी आपको रास्ता सही बताएगा, गूगल मैप कभी कभी गलत भी हो सकता है, सतर्क रहे। और अब अगली खबर, मोदी जी का कहना है कि जो औरतें, माँ बहनें, भाई और बहनों, जो भी औरतें 25 रुपये किलो सब्जी लाती हैं, 90 रुपये किलो वाली 25 रुपये में लाती हैं, उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए पोस्टें निकाली जाएं, पोस्टें। तो जी हाँ भाई और बहनों, आपकी बीवी हैं, आपकी बहनें हैं, जो भी है, आपकी मम्मी है, उनको बोलो कि पोस्ट निकलने वाली है और ऑनलाइन रहे, देखते रहे कब पोस्ट निकलेगी, ताकि आप भी कल को फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं। अब जाते जाते एक सोचना, पटरी पे पार्टी करने वाले सतर्क रहे, गाड़ी किसी भी समय आ सकती है और आपका कुछ भी जा सकता है। सो आपके लिए अच्छी खबर भी ये है कि प्रधानमंत्री ने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज निकाली है कि आपके लिए नकली पटरी बनाई जाए जिसमें आप पार्टी कर सकते हैं, पार्टी का आनंद भी ले सकते हैं, और आपको डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। कोई ट्रेन नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं होगा, जितनी मर्जी देर आप पटरी पे बैठ सकते हैं, बैठो, आपका कुछ नहीं जाएगा। ये पटरी बनना स्टार्ट भी हो चुकी है, पहली पटरी कठुआ में बन रही है। और तो देवी और सज्जनों, आज की फालतू खबरें जितनी भी थी मैंने सुना दी, कल मैं फिर से आऊँगा, क्योंकि अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं कल फिर आऊँगा, कल फिर ऐसे ऐसे फालतू खबरें लाऊँगा आपके लिए जब मैं आपको परफॉर्मेंस करता हूँ, क्योंकि मैं ऑटो वाला हूँ, ऑटो वाला कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा मीटर चलता है तो चलता ही रहेगा, मैं मीटर के पैसे लूँगा, मैं ऐसे फालतू के पैसे नहीं लेता। तो ठीक है, आपने मेरी खबरें सुननी है, सारी की सारी सुननी है, और जितनी भी है, और ये जिसमें ये हो रही है ना, ये इसमें इसको सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब करोगे नहीं तभी मैं अगली खबरें आपको सुनाऊंगा, जल्दी जल्दी आपके पास पहुंचेगी। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मैं तो आपका कॉमेडियन चोए, तो कैमरामैन जो भी है पता नहीं कौन है, तो इनके साथ नमस्कार, मृत्यु जी इजाजत, नमस्कार।